हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ चैप्टर कैन वी शेयर। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम बुक से तो ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, बट आज मैं आपको डिवीज़न की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ कराने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और बच्चों, अब आप जैसा कि आप डिवीज़न भी कर चुके हैं, है ना, एडिशन के क्वेश्चन भी आपने कर लिए हैं, माइनस सब्ट्रैक्शन भी आपको आता है, गिव एंड टेक में आप कर चुके हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन भी आपको कराए जा चुके हैं हाउ मैनी टाइम्स में, और कैन वी शेयर चैप्टर में आपको डिवीज़न का कंसेप्ट भी आपको बता दिया गया है। तो मैथ्स में यही फोर बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो अब आप रेडी हो जाइए, बिकॉज अब आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें तीनों तरह के क्वेश्चन होंगे, तीनों बेसिक ऑपरेशंस पर क्वेश्चन होंगे। वन वन मार्क का क्वेश्चन तो बनता ही है, है ना, ब्लैंक स्पेस आ जाता है और उसे आपको फिल करना होता है, इस टाइप का वन मार्क का क्वेश्चन तो बनता ही है। तो अब आपके जो एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आपको तीनों तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तीनों टाइप्स के, फोर टाइप्स के सॉरी, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट। और चलिए, आज मैं आपको डिवीज़न की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ कराने वाला हूँ। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था, उसी के ऊपर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आपकी कंपिटेंसी है एबिलिटी टू कंप्यूट, आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ये कंपिटेंसी हम आज ले रहे हैं। फिल इन द बॉक्सेस, तो इसमें आपको बॉक्सेस में भरना है, और प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न है ये। तो ये है 8 / 8 इज इक्वल टू हाउ मच। तो बच्चों ध्यान रहे, कोई भी नंबर हो, यहाँ तो 8 / 8 है, अगर 9 / 9 है, कलर चेंज कर लेते हैं, सॉरी, यस, अगर आपके पास 9 / 9 है ना, तो आपका आंसर क्या आएगा। तो ध्यान रहे, जब एक किसी नंबर को अपने आप से डिवाइड करते हैं, 9 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 को 7 से डिवाइड करते हो, 100 को 100 से डिवाइड करते हो, तो आंसर हमेशा 1 आता है। ध्यान रहे इस बात का, 8 / 8, 8 × 1 = 8 होता है, तो 1 पे ही आएगा, है ना। ऐसे ही 9 / 9, तो 9 × 1 = 9 होता है, तो 1 पे ही आएगा, ठीक है। और अगर आपके पास कहीं पे भी लिखा हो 1000 / 1000, अगर 1000 को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 1, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, जब भी सेम नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी पर्टिकुलर 8 को 8 से, 9 को 9 से, 1000 को 1000 से, तो आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट ब्लैंक है, तो यहाँ पे हम 1 राइट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी है डिवीज़न की, जब भी किसी नंबर को उसी से ही डिवाइड किया जाता है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट है 9 / 1, ये भी एक प्रॉपर्टी है बच्चों, किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं, तो वो सेम नंबर आ जाता है। जैसे 9 को 1 से डिवाइड किया, तो 9 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 10 को 1 से डिवाइड करते हो, तो आंसर 10 ही आ जाता है। ऐसे ही 100 को 1 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर 100 ही आ जाएगा। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर 200 से बताइए, तो कोई बात नहीं, 200 को 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे वही नंबर आ जाता है, ठीक है। 9 को 1 से किया तो 9 आ जाएगा, 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 200 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है डिवीज़न की, किसी भी नंबर को, मान लो n कोई नंबर है और मैं उसको 1 से डिवाइड करता हूँ, तो वही नंबर मुझे दोबारा से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 0 / 5, बच्चों 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, यहाँ तो 5 से किया है ना, आप 8 से कर सकते हो, 7 से कर सकते हो, 80 से कर सकते हो, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लीजिए आप, 0 ही आ जाएगा, है ना। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लीजिए, 0 ही आएगा, चाहे आप 800 से डिवाइड, 0 को 800 से डिवाइड कर रहे हैं, तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर एक नंबर का 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, 0 / 5 = हाउ मच,
तो भैया पता होना चाहिए ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। ठीक है, दूसरी बात, कोई नंबर है आपके पास और अगर आप उसे डिवाइड कर रहे हो ज़ीरो से, क्वेश्चन चेंज हो चुका है बच्चों, अब ज़ीरो सेकंड प्लेस पे है, यहाँ पे ज़ीरो फर्स्ट प्लेस पे था, है ना। अब ज़ीरो यदि सेकंड प्लेस पे हो, यानी कि ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए सिक्स को, अभी दिखाता हूँ, ठीक है, अगर आप टेन को डिवाइड करते हो ज़ीरो से, तो बच्चों इसका कोई मीनिंग नहीं होता, नो मीनिंग, नॉट डिफाइन, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा, ना ज़ीरो आएगी ना वन आएगा, कोई आंसर नहीं होगा, हम लिखेंगे नो मीनिंग। ठीक है, तो कभी भी नो मीनिंग का क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्स डिवाइडेड बाय डैश, सिक्स को किससे डिवाइड करें कि नो मीनिंग हो जाए, तो ध्यान रहे भैया सिक्स को किससे डिवाइड करना है, ज़ीरो से। ठीक है, किसी भी नंबर्स को ज़ीरो से अगर हम डिवाइड करते हैं तो नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, तो याद रहे अगर ज़ीरो फर्स्ट प्लेस पे है तो आंसर ज़ीरो होगा, और यदि ज़ीरो सेकंड प्लेस पे है तो नो मीनिंग आपने लिख देना है, वर्डिंग में लिखना है नो मीनिंग, इंग्लिश में लिखना है एन ओ फिर आगे मीनिंग, एम ई ए एन आई एन जी। ठीक है, अगर ज़ीरो कभी भी सेकंड नंबर पे हो, डिवाइड कर रहे हैं ज़ीरो सेकंड नंबर पे है, इट मीन्स ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं, तो किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो कोई मीनिंग नहीं होता बच्चों, नॉट डिफाइन होता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 20 को डिवाइड किया किसी नंबर से और 20 ही आ गया, तो मैंने आपको बताया है कभी भी एक नंबर को डिवाइड करेंगे 1 से तो वही नंबर तो आ जाएगा, है ना, तो 20 को हमने किससे डिवाइड किया, 1 से, तभी तो 20 मिला, है ना। नंबर को यदि हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर मिल जाता है, ऐसे ही 20 को किसी नंबर से डिवाइड किया और 20 मिल गया, दैट मीन्स 1 से डिवाइड किया है, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बच्चों 14 डिवाइडेड बाय समथिंग डैश है या ब्लैंक स्पेस है इज इक्वल टू 1, तो मैंने बताया था कि 1 कब आता है, जब सेम नंबर को उसी से डिवाइड करते हैं, है ना, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, हम 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 14 को 14 से डिवाइड करेंगे, है ना, 14 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 14 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही प्रॉपर्टी यूज होनी है, 15 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 15, तो मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे वही नंबर मिल जाता है ना, तो आप देखिए हमें 15 ही मिल गया है, दैट मीन्स हमने 15 को किससे डिवाइड किया है, 1 से, 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तभी तो 15 मिलेगा, है ना, तो ईजी है बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल, और यदि यहाँ पे 0 होता तो हमारा हो जाता नो मीनिंग, ठीक है, बट यहाँ पे 15 है तो दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तभी 15 मिलेगा। नेक्स्ट है डिवीज़न इज़ रिपीटेड, तो बच्चों जैसे आप देख सकते हो कि डिवीज़न जब हम करते हैं, ऐसे वाली डिवीज़न जब हम करते हैं तो उसमें हम बार बार हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, है ना, सब्ट्रैक्शन करते हैं, और वैसे भी आपको पता ही है मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन, और डिवीज़न होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो डिवीज़न इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, और ये आपको लिखवा दिया गया था अच्छे से, रूल था ये, डिविडेंड इक्वल टू क्या था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे कोशेंट से प्लस रिमाइंडर, तो ये मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, देखिए बच्चों कैसे करेंगे, एग्जांपल लेके चलते हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। हम क्या करते हैं, हम 39 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से करते हैं, है ना, तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 का टेबल रीड कीजिए, 39 तक चाहिए, पर 39 तो 7 की टेबल में आता ही नहीं है, है ना, 7 5 जा 35 होते हैं और 7 6 जा 42 होते हैं, है ना, तो यहाँ पे हम 42 पे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 39 तो छोटा होता है 42 से, तो हम 7 5 जा पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35,
अब हम यहाँ पे जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 9-5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो बच्चों ये ऊपर वाला जो है ये है डिवाइज़र, बीच में जो होता है जिसे हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड, और जो आंसर आता है वो होता है क्वेश्चेंट, और जो नीचे बचता है जैसे यहाँ पे 4 बच गया, अब हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ये है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों डिविडेंड क्या है आपका 39, डिवाइज़र मैंने यहाँ बताया था यहाँ पे क्या आता है डिवाइज़र, तो डिवाइज़र कितना है आपका 7, क्वेश्चन कितना है 5, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर जो नीचे बचता है यहाँ पे, सॉरी 4 है, 1 नहीं 41 नहीं है 4 है, तो रिमाइंडर कितना है आपका 4। अब आप इन नंबर्स को कैलकुलेट करके देखिए बच्चों, 7 5 35 होते हैं, 35 प्लस 4 39, तो ये इक्वल हो गया है ना, दैट मीन्स हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू हो गई, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि डिवाइजर को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें अगर रिमाइंडर ऐड कर दिया जाए तो हमें वही नंबर मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है। यही हुआ है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस उसमें 4 ऐड किया, हमें क्या मिल गया 39 है ना, तो हमारी प्रॉपर्टी ट्रू हो गई, हमारी प्रॉपर्टी यही है, हमारी जो प्रॉपर्टी मीन्स फॉर्मूला, हमारा जो फॉर्मूला है वो यही है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, और वैसे ही मैंने आपको एक नंबर लेकर आपको एग्जांपल से क्लियर कर दिया है ना, डिवाइजर को मैंने क्वोशेंट से मल्टीप्लाई किया उसमें रिमाइंडर ऐड किया और 39 मिल गया, दैट मींस डिविडेंड मिल गया। ठीक है, तो बच्चों ये थी डिविजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, और आपके लिए यहाँ पे मैं कुछ वर्कशीट सेंड करूंगा आपको, ये कुछ वर्कशीट्स हैं, आपको पहले इन्हें काउंट करना है, 2 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए है ना, 6 का ग्रुप बनाना है तो पहले काउंट कीजिए कितने हैं और फिर उसे 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और ये डिवीजन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस के लिए करोगे, और ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं डिवीजन की ही हैं, डिवाइड 15 चिल्ड्रन इंटू टीम्स ऑफ 3, तो आप क्या करोगे 15 को 3 से डिवाइड कर दीजिए है ना, तो इजी क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें ट्राई कीजिए बच्चों, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।